क्या सोच रहे हो? कॉफी पी रही हूं। नेस कैफे के कप में ग्रीन टी है। वैसे पता है ग्रीन टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इसे पीना शुरू करो तो हर 15 मिनट में आपको बाथरूम जाना पड़ता है, यूरिन बहुत आता है। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसकी हैबिचुअल हूं। जब तक ये वीडियो खत्म नहीं कर दूंगी नहीं उठूंगी यहां से। आज का जो टॉपिक है आपके मतलब का टॉपिक है, आपके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विषय में से एक है कि किसी लड़की को नीचे से वेट कैसे करें, गीला कैसे करें, वो भी उसे बिना हाथ लगाए। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बिना टच किए, उसके बाद स्पीड पकड़ी जाती है ना, तो कैसे करें? ऑर्गेजम अगर आप अपनी पार्टनर को दिलाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है उसे नीचे से वेट करना, गीला करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो 6 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी पार्टनर को नीचे से फिका सकते हो, पूरा गीला कर सकते हो। बने रहिए वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट, सेडक्शन। आपको अपनी पार्टनर को सेड्यूस करना है। लेकिन ज्यादातर मर्दों की कहानी क्या होती है, बेड पर गए, अपनी पार्टनर को ऊपर से नीचे तक मतलब ऐसा ऐसा करके हाथ सहलाया, फोर प्ले के नाम पर एक दो किसी चूमा चाटी करी और अपना वजाना में पीनिस को डाल दिया, हेलीकॉप्टर की तरह घुमा दिया, घुर्र 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 हो गया उनका। ये क्या तरीका है भाई? फोर प्ले हमेशा बेडरूम के बाहर शुरू होता है, वो भी मेंटल लेवल पे। उसके बाद आप बेडरूम के अंदर आते हैं और फिर फिजिकल लेवल पे फोर प्ले की शुरुआत होती है। और बेडरूम से बाहर जो फोर प्ले में तरीका अपनाया जाता है वो होता है अपने पार्टनर को रिलैक्स करना, उसके माइंड को रिलैक्स करना, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसे सेड्यूस करना, जिसमें आप उसे सरप्राइज दे सकते हो, कुछ भी उसके लिए जो उसको पसंद हो। लाइक चॉकलेट उसे पसंद है तो उसे सरप्राइज कर दिया, आप आए हो बाहर से और चॉकलेट लेते आए उसके लिए, उसके लिए कोई उसका फेवरेट डिश बना दिया, या कोई उसका पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है जो उसे निपटाना है उसमें आपने उसकी हेल्प कर दी, आप उसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ सोचना शुरू करे। या करते हैं आप ये तरीके अपनाते हैं? नहीं ना, फिर कैसे हाथ लगाए वो गीली होगी? इनफैक्ट हाथ लगाने के बाद भी वो गीली नहीं होगी क्योंकि वो मेंटली तो प्रिपेयर है ही नहीं, फिजिकली तो आप कुछ भी कर दो। दूसरा स्टेप, कम्युनिकेशन। उससे बातें करते हुए उसकी तारीफें करो, उसे टीज करो, उसे छेड़ो कि यार मैं तुम्हारा वो सेक्सी अवतार, या तो क्या लग रही थी उस दिन, या अभी भी बोल सकते हो कि मैं तुम्हें इस अंदाज में देखता हूं ना, मुझसे रहा नहीं जाता, तुम इतनी सेक्सी हॉट लगती हो मुझे। वो बॉडी पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा अराउज करता है, आपको आकर्षित करता है, उसके बारे में तारीफें करो। उसे कुछ ऐसा बोलो कि वो कामुकता से भर जाए, बोले यार बस करो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। हर औरत को तारीफ पसंद होती है, वो भी अपने पार्टनर के मुंह से। आपका ये सेक्सी अंदाज में उसको तारीफ करना उसके मूड को एनहेंस करेगा। नाउ थर्ड स्टेप, मेंटली आपने उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और वो आधी प्रिपेयर हो भी चुकी है, अब आ जाओ फिजिकल लेवल पे। लेकिन एकदम से पूरा वो फोर प्ले वाली चीजें नहीं, जस्ट स्टार्ट विद अ पैशनेट किस, पैशनेट किस विद अ लॉन्ग किस। कितनी देर तक मुंह में मुंह घुसाए रह सकते हो, उतनी देर तक जो आपका स्टेमिना है उसे लॉन्ग किस करो। जब आप वो पैशन के साथ लंबे टाइम तक उसे स्मूच करोगे, किस करोगे, आप देखोगे नीचे से वो बिना हाथ लगाए गीली हो गई है। उसे अपने इस पैशनेट किस से इस लेवल पे उत्तेजित कर दो कि वो आपको छूने पर मजबूर हो जाए और आपके पैंट के ऊपर से आपको टच करने के लिए पागल हो जाए। आपका पप्पू तो उठ ही गया होगा इतनी देर में, लेकिन जब वो आपको टच करे तो उसे एहसास हो सो हार्ड, ऐसा उसे महसूस होना चाहिए, और ये चीज उसको और ज्यादा पागल करेगी, उसको एक्साइटमेंट से भरेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टच हर फुल ऑल ओवर बॉडी। अब टाइम आ गया है जी, क्योंकि आपने पैशनेट किस करके उसकी तारीफें करके उसका मूड तो बना ही दिया है, अब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, तो अब टाइम आ गया उसकी बॉडी के साथ प्ले करने का, उसे किस करने का ऊपर से लेके नीचे तक, उसको लिक करने का ऊपर से लेके नीचे तक। और वो लिक करके आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पे, उसके की पॉइंट्स पे जहां उसे सबसे ज्यादा उत्तेजना महसूस होती है। वो ब्रेस्ट भी हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, वो उसकी नेक हो सकती है, उसकी इनर थाई हो सकती है, जो जो बॉडी पार्ट पे उसे टच करने से आपकी, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि हाँ उसको कहाँ पर सबसे ज्यादा टच करने में उत्तेजना महसूस होती है, एक्साइटमेंट लेवल उसका बढ़ता है। बस उन्हीं के साथ, उन्हीं अंगों के साथ आपको प्ले करना है। कैसे करना है, मानो ब्रेस्ट के साथ आप उसके प्ले कर रहे हो, वो उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, तो उसके साथ प्ले करो, उसे किस करो, स्मूच करो, उसको सहलाओ, लेकिन फिर छोड़ दो।
फिर करो और फिर छोड़ दो, फिर करो और फिर छोड़ दो। अपने आप को पूरी तरह से उसे परोसो मत, परोसना तो है ही नहीं आपको उसे। उसकी उत्तेजना को बढ़ाना, एक्साइटमेंट को बढ़ाना, आपने उसे स्मूच किया, लिप्स पे किया, एक पैशनेट भरा किस दिया और छोड़ दिया, फिर दिया और फिर छोड़ दिया। इस तरीके से आपको ब्रेक दे दे के उसकी उत्तेजना को और बढ़ाना है, बढ़ाओ बढ़ाओ। और जब वो आपको बोलने लग जाए कि जानू अब रहा नहीं जा रहा यार, प्लीज अब बस करो, तब आप अपने पेनिस को इंसर्ट करो, इन आउट वाला गेम अपना शुरू कर दो। जो भी आपका है, जिस तरह के आप स्ट्रोक मारते हो, स्लो, शैलो, डीप, व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद है, आप वो उस फॉर्म में अपना इन आउट वाला गेम शुरू कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत जरूरी है और ज्यादातर कपल इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, इस स्टेप को मिस कर देते हैं, इसे अपने सेक्स बैड एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनाते, इसे मिस कर देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते। वो क्या कि जब वो एक दूसरे के साथ सेक्स में लीन होते हैं और वो उसको कर रहे होते हैं, एंजॉयमेंट फील कर रहे होते हैं, तो वो अपने उस एंजॉयमेंट को एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते। वो एक्सप्रेस कैसे होता है? साउंड से। ज्यादातर लोग साउंड दबा लेते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। कितनी फीमेल ऐसी होती है, उन्हें अगर फील हो रहा है, उनको आवाज आ रही है अंदर से, कुछ इस तरह का ऐसा फील हो रहा है, तो वो अपने उन मॉर्निंग को, उन आवाजों को दबा लेगी। और मोर की आवाजें देखो, वो आवाजें साउंड सुनाई देने लगी, मैं साउंड की बात कर रही हूँ तो। और ऐसा नहीं है जो मॉर्निंग है किसी फीमेल को ही आती है, अंदर की रास की बात बताऊं तो मेल को भी आती है। जो एंजॉयमेंट होता है अंदर से, जो आवाजें निकलती है, वो एक आदमी को भी इस चीज का एहसास होता है, लेकिन वो दबा लेता है। क्यों? ये सोच के कि यार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ये ना सोचे कि यार लड़की की तरह कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह की आवाजें मन करता है निकालने का, तो निकालो यार। जिस तरह से किसी फीमेल की मॉर्निंग एक मेल को एक्साइट करती है, इसी तरह से एक आदमी की मॉर्निंग भी किसी फीमेल को एक्साइट करती है कि यार इसे कितना मजा आ रहा है मेरे साथ, ये एंजॉय कर रहा है। एक्सप्रेस करो इस एंजॉयमेंट को। और चलो अगर आपको ये लगता है कि यार मैं आवाजें निकालूंगा तो लड़की जैसा उसे फील होएगा, तो आवाजें मत निकालो। आप थोड़ा सा वाइल्ड तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए उसे कुछ गंदी बातें कर सकते हो। गंदी बातें इन द सेंस, गाली साली दे सकते हो, बुरा नहीं मानेगी वो। जो आपको उस वक्त मन कर रहा है उसे बोलने का, वो उसे बोल सकते हो, जिससे उसको अच्छा लगेगा, वो बुरा नहीं मानेगी। इनफैक्ट उसे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा जो पार्टनर है मेरे साथ एंजॉय करता है यार, ये उसके एंजॉयमेंट का तरीका है। ये गंदी बातें, ये गालियां, ये आवाजें आपके उस बेडरूम एक्टिविटीज, उस बेडरूम की गर्मी को और ज्यादा बढ़ाएगी। एक फ्लेवर ऐड होगा उसमें और एक स्पेशल मोमेंट आप एंजॉय करोगे, यादगार होगा आपका वो टाइम, वो पल, जिसे आप बाद में आफ्टर प्ले के दौरान या बाद में कभी फ्री टाइम पे याद करोगे, हंसोगे, यार बड़ी सेक्सी लग रही थी तेरी आवाजें तो, ओह माय गॉड। इस तरह की आवाजें जब आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे ना, आई एम टेलिंग यू कि वो नीचे से बिना हाथ लगाए गीली रहेगी, जब तक आप इन आउट कर रहे हो। लुब्रिकेशन की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ड्राई हो गया, गीली ही रहेगी, क्योंकि कानों में साउंड जा रहा है ना, आवाजें जा रही हैं, वो उसे एक्साइटमेंट लेवल उसका बना के रखा हुआ है। तो ये थे वो सभी छह तरीके, सॉरी पांच तरीके मैंने आपको बताया, जो छठा तरीका है वो फ्लो फ्लो में बोलते हुए उसी में मिक्स हो गया है। तो ये थे वो सभी छह तरीके जो मैंने आपको बताए। इन तरीकों को अपनाइए और अपनी बेडरूम एक्टिविटीज में तड़का लगाइए, अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप कीजिए। थैंक यू सो मच।